भारतीय सेना की ओर से लगातार एलओसी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कई ऑपरेशन सद्भावना के तहत कुछ ऐसी स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जहां जो वहां का बेरोज़गार युवा है या आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सके। इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशन सद्भावना के तहत चल रहे हैं, जो युवा हैं वो रोज़गार कमा कर अपने पैरों पर जो है वो स्टैंड हो सके। और भारतीय सेना की कई ऐसी स्कीम्स जो हैं वो नियंत्रण रेखा या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो चल रही हैं। ऐसी ही स्कीम आज पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीज़न के अंदर डराना गांव है, जो कि बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है, वहां पर इंडियन आर्मी की 120 ब्रिगेड की ओर से एक फ्लावर गार्डन जो है वो डोनेट किया गया, यानी वो भेंट किया गया। ये एक रोज़गार का साधन जो है वो भारतीय सेना ने उनको दिया है। इस दौरान आज उसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें सेना के आला अधिकारी जो है वो मौजूद थे, जिसमें ब्रिगेड कमांडर खुद थे और तमाम वो शहरी या मेंढर सब डिवीज़न के विभिन्न हिस्सों से जो है वो लोगों ने, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो कोई वहाँ का सरपंच हो, पंच हो या कोई प्रोमिनेंट सिटीज़न हो, वो सब वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। और आज सेना की तरफ से वहाँ पर उद्घाटन किया गया और वो फ्लावर गार्डन जो है वो बीजी ब्रिगेड के अंतर्गत आने वाली जो मेंढर में तैनात मेंढर बटालियन है उसकी तरफ से वो जो है उसको पूरा वो तैयार किया गया। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी मेहनत और लगन के साथ भारतीय सेना ने ये उपहार, मैं कहूँगा कि जो उनको भेंट किया है। और ऐसे में तमाम लोगों ने भी इंडियन आर्मी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि जो उनके लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट सेना ने लाया है, क्योंकि आपको पता है कि जमे में फूलों की कितनी अहमियत है। और वो जो फूल्स हैं, फूल लाने के लिए चाहे हमारा कोई शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग जम्मू से फूल लाते हैं, और सेना ने एक ऐसा मौका इनको फराहम किया है कि यहाँ पर ही फूल लगाएं, यहाँ पर ही सीखें और फूल जो है उस पैमाने पर लगाए जाएँ ताकि उनका रोज़गार भी जो है वो आगे। छत से बनाया है कि लोग जो हैं एक नई चीज़ को सीखें और अपने आप पैसा कमाने की एक काबिलियत को हासिल करें। ये फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फूल उगेंगे और फूलों की बहुत डिमांड है पूरे शहर जम्मू में, पूरे इलाके में। और अगर एक कोई इंसान इसको अगर कार्रवाई करेगा तो एक तो नया चीज़ है, इसलिए इसको सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी, ये गुलशन पार्क जो डराना मेंढर में बनाया है, ये 120 ब्रिगेड के अंडर इन सद्भावना के तहत बनाया गया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है आर्मी वालों का, बिल्कुल डराना गांव वालों का, ना सिर्फ डराना गांव वाला बल्कि पूरी मेंढर के लिए, क्योंकि यहाँ कोई पार्क की है नहीं है मेंढर के अंदर। फूल एक ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी की ज़रूरत होती है, तो अगर इसी प्रेरणा को लेकर आदमी अगर सीख जाए यहाँ फूल उगाना तो अच्छी खासी मेरे ख्याल में आमदन हो सकती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है कुछ लोगों की। अगर आपको एक चीज़ और बता दें कि सेना हमेशा ये प्रयास करती है कि जो हमारा यूथ है, हमारा जो बेरोज़गार, चाहे वो मज़दूर तबका है या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो बेबस या वो लोग हैं जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उनके लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना बड़े पैमाने पर लाती है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी कारगर और मददगार साबित होगा तमाम उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, जहाँ उन वो खुद काम भी करेंगे, सीखेंगे भी और वहाँ से रोज़गार कमाने का उनके पास अवसर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि वहाँ पर जो फ्लावर्स लगाए गए हैं, जो फूल लगाए गए हैं, वो जो कि हमारे भारत देश के अन्य हिस्सों से वहाँ के, और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल के या बाहरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जिन फूलों की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर जो होता है वो भी इसमें जो है वो ऐड किए गए हैं। तो आज काफ़ी ग्रामीण लोग जो है वो खुश थे और उन्होंने भारतीय सेना का धन्यवाद करते हुए ये उनसे मतलब कि एक मांग, ये उम्मीद की है कि सेना हर संभव मदद जो है उनके लिए करती है और आगे भी इस तरीके की मदद जो है वो जारी रहे, इसके लिए सेना का सब लोगों ने आभार प्रकट किया। आप जुड़े रहें मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून ऑल, नमस्कार, आदाब। प्रिंसिपल सुनैना सांब्याल, KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, पठानकोट। आज आपके सामने फिर से एक दरख्वास्त लेके आई हूँ।
because KLM strongly believes that discipline is a very important bridge between the goals and the accomplishment of your child's future. So once again, I am requesting, जब भी आपका मन बने पठानकोट आने का और एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल देखने का, तो एक बार KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में आके देखें कि आपकी बच्चियों का और आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से हम लोग आगे ब्राइटन अप करके, शेप अप करके आगे ला रहे हैं। और मेरे अपने पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, इन सब पेरेंट्स के लिए KLM की तरफ से एक स्पेशल मुहिम है जिसमें एक स्पेशल पैकेज है आप सबके लिए। सो एक बार आएँ, फेस टू फेस बैठें और फिर हम सब बैठ के इस पैकेज के बारे में और बात करेंगे। लेकिन सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ ज़िंदगी में ये है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है तो आई थिंक सब कुछ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, डू विजिट टू KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल पठानकोट। CBSE affiliated KLM International School Pathankot, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM International School Pathankot।